आमिर की वो औकात नहीं है या फिर वो उस लेवल पे नहीं है कि जिससे मैं बात करूं। जो बंदा क्रिकेट को बेच दिया, अपने देश को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, सबको बेच के अपने सब लोगों के साथ चीटिंग करके पैसे कमाने की राह देख रहा था लॉर्ड्स में नो बॉल करके जानबूझ के, उससे मैं मत्था मारूं तो शायद गलती मेरी होगी। यू डोंट डिजर्व दैट। तो मैंने आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था आपके ट्वीट पे या किस पे, क्योंकि आप जाहिल हो, जाहिल रहो। मैं और शोएब अख्तर दोनों मीडिया के लिए काम करते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है, विच इज़ फेयर इनफ, और वो अपनी टीम की बड़ाई करता है उस पर, और मैं अपनी टीम की बड़ाई करता हूँ। वो जो मेरा और उसका बेंटर है वो चलता है उस पर, आज से नहीं बहुत सालों से चलता है। तो उसी बीच में एक और बंदा कूद गया, मोहम्मद आमिर। ये है कौन? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये है कौन बंदा? ट्वीट आमिर भी डालते हैं कि क्या मैंने टीवी तो नहीं तोड़ा अपना? नहीं, मैंने टीवी नहीं तोड़ा। मैंने ट्वीट उनको किया कि हाँ, मैंने जो तुम्हें छक्का मारा था वो तुम्हारे घर पे गिरा होगा, देखना वो उस टीवी पे तो नहीं गिरा, ये तुम्हारे घर का टीवी तो नहीं टूटा। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो बिजी था, थोड़ा वो आपके जो चार छक्के लगे थे आपकी बॉलिंग पे, शाहिद अफरीदी नहीं मारे थे, वो देख रहा था। शाहिद अफरीदी ने मुझे चार छक्के मारे थे लाहौर में, पटा विकेट, बहुत बढ़िया उसने बल्लेबाजी करी, मारे छक्के, पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने भी बथेरे मारे हैं उन लोगों को। और इसी बीच में उसने कुछ और एक ट्वीट कर दिया, और फिर मैंने भी ट्वीट कर दिया कि लॉर्ड्स में बहुत बड़ी नो बॉल हुई थी, वो कैसे हुई थी हम सब जानते हैं क्या हुआ था वहाँ पे और उसने क्या किया था। आमिर की वो औकात नहीं है या फिर वो उस लेवल पे नहीं है कि जिससे मैं बात करूं, और जितना मैं उस पर जाके बात करूँगा अपने आप को नीचा दिखाऊंगा। सो आई डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट हिम। जो बंदा क्रिकेट को बेच दिया, अपने देश को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, सबको बेच के अपने सब लोगों के साथ चीटिंग करके पैसे कमाने की राह देख रहा था लॉर्ड्स में नो बॉल करके जानबूझ के, उससे मैं मत्था मारूं तो शायद गलती मेरी होगी। यू डोंट डिज़र्व दैट। तो मैंने आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था आपके ट्वीट पे या किस पे, क्योंकि आप जाहिल हो, जाहिल रहोगे।